सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं 21 सेक्टर में, जावेद भैया की शॉप पे और देख सकते हो। सो जेरी भाई मेरे इस साइड को बैठा है और मैं बैठा हूं जेरी भाई की एनएस में, देख सकते हो आप। और जो मैं यार अभी ना आ रहा था ना, तो पता नहीं एक्शन कैमरा में भी बंद हो गया अपने आप ही, मैं आपसे बातें करते हुए आ रहा था, पता नहीं कहाँ तक रिकॉर्डिंग हुई होगी। सो वो मेरे को पता चलेगा घर जाके, सो मैं घर जाके देखूंगा एंड एडिटिंग करते हैं, देखूंगा कि क्या हुआ उस वीडियो का। सो अभी मैं जेरी भाई के पास आया था, सो ये रहा जेरी भाई अपना। जेरी भाई क्या हो गया तेरी भाई को? भाई तेरे हाथ में क्या हो गया? हाथ चुभा जेरी भाई, हाथ चुभा रहा है। तो मतलब कि ना आज जेरी भाई का ना एक्सीडेंट हो गया, बाइक गिर गई थी, मतलब स्लिप हो गई थी। मतलब कि ना भाई जा ही रहा था आगे की साइड, भाई तू ही बोल अचानक से डॉगी आ गया तो और डॉगी को बचाने के चक्कर में बाइक का स्लिप, टायर स्लिप हो और बाइक गिर गया। जो होना है वो तो हो गई रहेगा भाई, चल कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सबको। जेरी भाई का कुछ, जेरी भाई के साथ जेरी भाई के साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी के टाइम पे भाई। मतलब कि ना 3-4 बार ये बाइक गिर चुकी है अभी जब से भाई ने ली है। मैं भाई को कह रहा हूँ कि भाई तेरे लिए बाइक सूट नहीं कर रही अभी। तो मैंने अभी सूरज भाई को बुलाया, सूरज भाई कह रहा था कि मैं देखता हूँ अभी थोड़ी देर में, टाइम पर आ पाया तो आ जाऊँगा, बाकी उसका कुछ पता नहीं है। सो आया तो फिर मिलवाते हैं आपको सूरज भाई से भी, बाकी अभी कैमरा बंद करते हैं, थोड़ी कुछ बातें कर लें हम दोनों, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी गाइस हो चुके हैं क्लोज, मैं घर से आते टाइम मतलब क्या मैंने एक्शन कैमरा ऑन किया था और मैं थोड़ा सा आगे जाके मैंने एक और बार ऑन किया, मेरे को लगा कि ऑन नहीं हुआ। सो मेरे को अभी यहाँ पे आके पता चला कि एक्शन कैमरा बंद हो चुका था और मतलब कि उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। तो अब ऐसी बातें कर लूँगा मैं थोड़ी सी और ज़्यादा टाइम मे भी अभी थोड़ा कहीं राइड रूट कर लें, इधर उधर कहीं घूम फिर लें इधर सिटी सुटी में। अभी सूरज भाई भी आ रहा है, मेरे भी कॉल पे बात हुई है, बस तू बोल ले भाई छोटी राइड नाइट है तो बस अभी थोड़ी सी राइड करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे फिर अपने अपने घर को पहुँचेंगे। बाकी मैं थोड़ी बहुत चलते चलते बातें कर लूँगा मोटर व्लॉगिंग के टाइम पे, बाइक चला सकते तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके सो सूरज भाई भी आ चुका है गाइस एंड चले चले आइसक्रीम वाली शॉप पे चले। ओके सो गाइस अभी जेरी भाई की बाइक जो थी हो चुकी है ठीक थोड़ी बहुत और सूरज भाई भी आ चुका है। ये जेरी भाई वो सूरज भाई हमारा तो अभी का प्लान क्या है, अब जा रहे हैं 20 सेक्टर में आइसक्रीम खाने, तो चलते हैं आइसक्रीम खाते हैं, थोड़ा बहुत चिल करते हैं और फिर थोड़ी बहुत बातें करके चलते हैं अपने घर को। एंड यार मेरे साथ में एक लॉल हो चुकी है, मतलब कि ना मैं हाँ जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं घर से निकला था और मतलब मैं इतनी मतलब बातें करते हुए आ रहा था ना आप लोगों से, बट वो जो फुटेज थी वो हुई नहीं, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुई, कैमरा ही ऑफ हो रखा था, बट चलो कोई बात नहीं। सो यहाँ से मैं भी यू टर्न मारना है, क्या खाया भाई बता, आइसक्रीम में डालो आपको क्या खिला रहा है अपनी तरफ से, आइसक्रीम पार्टी होगी निकला भाई
वो हाँ बर्थडे भाई जा रही भाई का क्या भाई अभी भाई बंदे ने भी बताया भी नहीं कि आज मेरा बर्थडे है मैंने बनाया भी नहीं वो तो भाई मैंने स्टोरी में देखा कि भाई उसका आज बर्थडे है भाई नहीं मैं भी नहीं मनाऊंगा टेंशन ना ले मैं सच्ची में नहीं मनाऊंगा भाई चल आज बना लेते भाई क्या होगा फिर चल आज पार्टी हो चुकी है गाइस ख़त्म और अभी हम बैठे हुए हैं पेड़ों के नीचे बाइकों के ऊपर साथ में मेरे सूरज भाई है सो अपना सूरज भाई ये है देख लो उस बंदे को ध्यान से और पहले हम दोनों ना पहले मतलब कि ना संडे को कसौली भी गए थे वहाँ का ब्लॉग मैंने बनाया था जबकि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बोला था कि मैं उस ब्लॉग को मतलब अपलोड नहीं किया एडिट नहीं किया बिकॉज वहाँ की मेरे को फुटेज जो थी ज़्यादा खास लगी नहीं तो मैंने उस वीडियो को बनाया नहीं और एडिट नहीं किया कि तो उसमें हमारी कमी थी हमारी कमी थी तो अभी हम तीनों प्लान बना रहे हैं कि हम दिसंबर में राइड पे जाएं धर्मशाला मतलब वन साइड मतलब 250 किलोमीटर्स होगा तो मतलब ठीक है विंटर्स के टाइम पे जाएंगे और मतलब कि ना एकदम मज़ा आने वाला उस दिन ना तो अभी प्लान कर रहे हैं कनेक्टेड रहने के लिए और काफ़ी टाइम बाद हम मिले हैं तीनों तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा भाइयों से मिलके वैसे जैरी भाई को एक सेक्टर में काम था मतलब अपनी बाइक का काम करवाना था जैसे मैंने आपको पहले बताया था तो मैंने सोचा चलो फिर हम भी मिल लेते हैं फिर मैंने सूरज भाई को बुला लिया मगर चलो एक मिलने का मौका तो मिला तो बस अभी मिल रहे हैं बातें कर रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा भाई से मिल के और यार अपने भाई को ना ऐसे सपोर्ट करते रहो मतलब कि ना यार बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है अल्टीमेट वाली फीलिंग आते हैं तो हाँ बहुत तो अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहो प्यार बनाए रखो और एक और अच्छी बात है हमारे लिए हमारे चैनल पे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और बस ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखो और हमारी यूट्यूब की फैमिली जो है और बड़ी होने वाली है और भी खुशी का दिन है मतलब खुशी आने वाली है बहुत खुशी होने वाली है अबे एंड गाइस देखो और बात अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो बिकॉज मैं वहाँ पे स्टोरी डालता रहता हूँ डेली कि हम कहाँ पे जाने वाले राइड पे वगैरह वगैरह तो आप फॉलो कर सकते हो अगर आपका मन है तो मैं फोर्स नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए क्योंकि फोर्स करने से कुछ नहीं होता फोर्स करने से वैसे भी आप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी मर्ज़ी है तो गाइस हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के बातें करके फिर थोड़ी देर में बस घर जाने वाले हैं तो इस ब्लॉग को फिर हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं यहाँ पे नहीं करेंगे थोड़ी आगे जाके करेंगे बस मैं इतना बताता हूँ कि बाइक जब मैं बाइक चलाऊँगा और मेरे ख्याल से आपको विजिबिलिटी आगे की नहीं दिखेगी तो इस ब्लॉग को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं सो कीप लिविंग कीप सपोर्टिंग दिस इज़ द अल्ट्राडेस साइनिंग ऑफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिलहाल तो आगे मिलते हैं तो इस ब्लॉग को फिर अभी यहीं पे मैं बंद करता हूँ और कुछ भाइयों से बातें करता हूँ फिर चलते हैं तो अब चलते हैं घर के साइड वाइज वैसे घर तो नहीं जा रहा मैं अभी हम शॉप पे जा रहे हैं दूसरी वाली बिकॉज मैंने एक मार्कर लेना है जिससे टायर को हाईलाइट करते हैं तो मैंने भी सोचा तो था तो मैंने अभी सूरज भाई की बाइक में देखा तो मेरे को भी सही लग गया फिर मेरे को याद आया कि हाँ भाई मैंने भी ये चीज़ करवानी थी तो अभी बस चल रहे हैं शॉप पे हाँ तू जा रहा है यहाँ से चल ठीक है मिलते हैं फिर कब मिलेगा चलो भाई देखते हैं चल ठीक है आराम से आइए ओके चल ठीक है बूम बूम आराम से आइयो सो सूरज भाई भी चला गया अब तो आराम आराम से चलते हैं घर के साइड को और ट्रैफिक बहुत हो चुका है यार मेरे को नहीं पता आपको आगे का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तो
बस फिर इस व्लॉग को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। सो बस अपने भाई को ऐसे ही प्यार देते रहो, अभी बच गया यार, मतलब क्या भाई सडनली यार ऑटो वाले भी क्या सडनली ब्रेकिंग मार देते हैं यार, हद होगी। शिट, तुम्हारे भाई एक तो ना किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है यार, किस्मत अच्छी होनी चाहिए, बुरी किसी की भी ना हो, देखते हैं ऑटो वाला का तो भाई भरोसा ही ना करो कभी भी, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ। तो मैं कह रहा था कि बस इस ब्लॉग को फिर यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो यह वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना इस वीडियो को। प्लस इस ब्लॉग में कुछ था नहीं ज़्यादा, बस मैं जायदे भाई और उससे मिलने के लिए आया था, बिकॉज उसने भी काम करवाना था अपनी बाइक का, सो बस ये सब दिखाना था। एंड आप चाहते हो कि अगर मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ और ऐसा मतलब कुछ ना कुछ दिखाता रहूँ तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना, और नहीं चाहते ऐसा कुछ तो तब भी बता देना। से ये सब था तो अभी लाइटर पे खड़ा हूँ, तो उस व्लॉग को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं फिर गाइज नेक्स्ट व्लॉग में, सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज़।